जालौन के उरई में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। जहां आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या हुई, जिसके चलते आज जालौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जो सातों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर इकौना के जंगल में शव को फेंक दिया था, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग में नाना ने भतीजा व दामाद के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। इसी के चलते जनपद के कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम इकौना में बीते 20 जून रात को कुछ लोगों ने युवक की हत्या कर गाँव के जंगल में नाले में शव को फेंक दिया था। तो ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी थी, जिसकी छानबीन पुलिस कर रही थी, जिसके चलते पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जंगल में सड़क किनारे खून से लथपथ हालात में एक युवक का शव पड़ा मिला था। शव से काफी दूर पर उसकी बाइक मिली थी। इसके बाद पता चला था कि युवक हमीरपुर जनपद के ग्राम सरीला का रहने वाला। हत्या करने वालों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुष्पेंद्र का अपनी मौसी के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसके नाना कैलाश को यह सब पसंद नहीं था। उसने अपने भतीजे से मनसाराम और अपने दामाद सुरेंद्र और कुछ लोगों के साथ मिलकर पुष्पेंद्र को लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी। जनपद जालौन के कादौरा पुलिस ने आज दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम कैलाश पुत्र रमसी निवासी कौना थाना कदौरा, सुरेश पुत्र अमरचंद निवासी करमचंदपुर थाना कदौरा, जिनके पास से एक आला कत्ल, विलायती बबूल का डंडा एवं एक मोटरसाइकिल UP 91 1885 हीरो डिलक्स बरामद हुई। आरोपियों ने शव को छुपाने के लिए कौना के वन विभाग के जंगल में शव को फेंक दिया था। हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक कांता प्रसाद, उप निरीक्षक विनोद कुमार, उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह की अहम भूमिका रही है। कदौरा थाना जो जनपद जालौन के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पर 20 तारीख को प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की, पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या उसके सगे रिश्तेदारों द्वारा कर दी गई थी, जो रिश्ते में मौसिया लगता है, और कर करके उसकी लाश को जंगल में इकौना के जंगल में छुपा दिया गया था नाले के अंदर, जहां से जनता के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष द्वारा उसकी बॉडी को थाने लाया गया। थाने लाने के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, उसके परिजन आए हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें से दो महत्वपूर्ण अभियुक्त जिनके द्वारा हत्या की गई थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने लोग? इसमें 3 लोग हैं कुल, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन बुंदेलखंड। सोनभद्र के दुद्दी में तहसील क्षेत्र के खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा अवैध खनन पर रोक लगा पाने में जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। बेलगाम खनन तस्करों के आगे वन विभाग बौना साबित हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी भी देखा जा सकता है। सोमवार को नाचनताड़ भिसुरवन मार्ग पर बघाड़ू होते हुए बालू लदी 3 ट्रकें गुजरी, जहां पर जिम्मेदारों को इसकी सूचना मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वन विभाग बेलगाम खनन तस्करों के आगे बौना साबित हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो नाचनताड़ भिसुरवन मार्ग जो बिना विभागीय NOC खनिज का परिवहन अवैध होता है, विभागीय कार्रवाई न होने से वन विभाग के नाक के नीचे तस्करों द्वारा UP की सीमावर्ती नदियों से खनन कर ध्रुव वन मार्ग को मुफीद मानते हुए बेखौफ काम करने का अंजाम दिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब वन विभाग को जरा सा भी खौफ खनन माफियाओं में देखने को नहीं मिल रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सोनभद्र। भदोही के कचौना थाना क्षेत्र के कामेपुर की ग्राम सभा के धंधार गांव में कुछ ही दूरी पर बिजली के खंभों से करंट लगने से 3 गौवंशों की मौत हो गई। लगभग सुबह की घटना है, जब ग्रामीणों ने बिजली विभाग को अवगत कराया, लेकिन अभी तक बिजली विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। करंट खंभे में अभी भी दौड़ रहा है, देखा जाए तो कोई अन्य भी इस घटना का शिकार हो सकता है। शासन प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी आवारा गौवंश का कोई पुरसा हाल नहीं है। जो गौ आश्रय बनाए गए हैं सिर्फ खाना पूर्ति तक ही सीमित हैं, जिसके चलते आवारा गौवंश के साथ किसानों की दुर्दशा हो रही है। प्रशासन की अनदेखी के चलते मंगलवार को सुबह ग्राम दंदार में कुछ दूरी पर स्थित विद्युत पोल में करंट आने से 3 गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई।
क्योंकि सरकार में नहीं थमरा खूनी संघर्षों का सिलसिला। आपको बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल का है, जहां पर 16 बीघा मक्का की फसल के लिए भाइयों के बीच गोली चल गई। यहां गांव में सनसनी का माहौल है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के साथ साथ पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है। जनपद संभल के थाना नकासा क्षेत्र के फिरोजपुर में किसानों की जमीन को लेकर चचेरे तहेरे भाइयों में झड़प हुई, जहाँ पर मक्के के खेत में पानी चलते वक्त एक दूसरे को गोली मारी गई, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मक्का बढ़ के बड़ी हो गई, पल गई, मक्का तैयार हो गई, तो क्या गया तो छोड़ मक्का, मक्के अब डाप काट। अच्छा, मैं पानी चला रखा, हमने दिमाग तो गोली मार दी। अच्छा, कौन है तुम्हारा? है तेरा भाई है कोई? क्या अच्छा, किस बात को लेके मारी? मैं पानी चला रहा था। खेत किसका है? खेत उसका है। आप उसमें क्या करते हो? मैंने बढ़ाई मक्का करी थी। अच्छा, आप क्या बोला फिर? वो बोले तुम निकल इसमें, तो बोले अपने अपना पाल लो। मतलब ऐसे कैसे निकल दूंगा मैं, मैंने लागत तो लगाई है इसमें। तो बोला खेत पर चला गया, गोली मार दूँ। अच्छा, तो मैं कल पानी चलाने गया तो कुछ भर गई थी, कुछ रह गई थी, आज घंट लगाया तो आज भी सुबह जाते गोली मारती। किस चीज़ से मारी? पौनिया थी। अच्छा, आपने ही मारा उसको? कुछ नहीं सर, उसके क्या लगा थे? तो अपना बाद में आया, क्या पता क्या करता है। अच्छा, मोहम्मद खालिद। क्या हो गया, तो पूरी बात बताओ। ये क्या खेती में मक्का बोई थी दोनों ने आपस में, आजे ने उसके ऊपर कोई रार हो गई उसमें बोल। अच्छा, फिर मेरा वो गोली बोझी भाई लगे दोनों में, और क्या अच्छा। एक के यहाँ लगी और एक के लगी। अच्छा, कौन है तुम्हारे? हमारे दोनों साले। सर, जो ये घटना हुई है, क्या है पूरा इसका मामला? ग्राम फिरोजपुर में राशिद और सालिम के बीच में मक्का का खेत बटवारे बटाई से छुड़ाने को लेकर के विवाद है। राशिद उस खेत को, बारिश उस खेत को छुड़ाना चाहता है, और सालिम ये चाहता था कि फसल उन्होंने तैयार के लिए मिले। इस बात लेकर दोनों पक्ष विवाद है, क्योंकि रिश्तेदारों वगैरह ने उनसे आकर कंप्लेन कराया था, लेकिन वो फैसले सेटिस्फाई नहीं हुए और उसमें आज ये विवाद हुआ है। दोनों पक्ष में दूसरे पर गोली चलाने का आरोप लगाया है, उसमें बारिश की ज़्यादा जो है और शालिम के भी मामले खबर से हैं। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अपनी कस्टम वाला संभव करेगी। यूवर इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के विकास खंड क्षेत्र मोतीचक में स्थित बरवा भवन का मामला है। बता दें कि एक तरफ सरकार द्वारा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं पर जिम्मेदारों द्वारा आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं आपको बता दें कि कुशीनगर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहाँ पर सफाई कर्मी और ग्राम प्रधान नदारद नजर आ रहे हैं। बीमारी आ जाए, चमका बुखार आ जाए, बच्चे मरने लगे, संक्रामक रोग है, संक्रामक फैलेगा बीमारी, ऐसे गंदगी से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये कितने दिनों से सफाई कर्मी नहीं आ रहा है? आने के लिए तो वो डेली आते हैं, लेकिन अपने राजनीति से मतलब रहता हूँ उनको। आते हैं गांव में, इधर उधर घूमते चले जाते हैं, चौराहे पे जाके बैठते हैं आराम से, बाकी कोई काम है नहीं उनको। 3 महीना आपके यहाँ जो नाली का समस्या है, कितने दिनों से? लगभग 1 महीना से है, ऐसे बना रहता है। सभी अधिकारियों को हम लोग अवगत कराए हैं, एडीओ पंचायत को वीडियो भेज दिए हैं, व्हाट्सएप पे डीपीआरओ को भेज दिए हैं, सबको भेज दिए हैं। उसके बाद इसके पहले भी ऐसा ही मामला आया था, जिसमें तो फिर से डीपीआरओ जब एडीओ इसको फ़ोन करते हैं सफाई कर्मी को, तभी साफ करता है, बिना डीपीआरओ के फ़ोन के साफ ही नहीं करता। फिर और उसके बाद बोलता है रोस्टर चल रहा है, रोस्टर आज 6 दिन से 7 दिन से चल रहा है। रोस्टर के पहले टीम गठित हुआ था सफाई कर्मियों का, 5 सफाई कर्मी हमारे गांव में भी आए थे। इस नाली को छोड़ के बाकी उधर का नाली 1-2 किए, उसके बाद चौराहा अटेंड किए, उसके बाद चले गए, उसके बाद नाली नहीं साफ किए। अब बीच में अब रोस्टर चालू हो गया, तो रोस्टर अब चालू हो गया, रोस्टर का समस्या है। तो इतना गाँव में पानी लगा रहता है, ऐसे बच्चे आते हैं स्कूल जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें। हम लोग खुद स्वयं साफ करते हैं इस नाली को। आप बताइए क्या करना चाहते हैं? हम गरीब मन
नहीं छुपा जानी का करी। ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और नाली में आपके यहाँ इतनी गंदगी है और इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सफाई कर्मी गांव में आता ही नहीं है, आता है तो प्रधान का दरबार करता है और जब हम लोग कहते हैं साफ करने के लिए तो मनमानी बात बताता है, नेतागिरी ज़्यादा करता है, चौराहा पे ज़्यादा रहता है, नाली को ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे झाड़ू मारते हैं, प्राइमरी स्कूल में बच्चे झाड़ू मारते हैं वो कभी नहीं मारता है। ये बच्चों का काम नहीं, उनका पढ़ने का काम है, झाड़ू मारने का काम नहीं। ये कितने दिनों से है? लगभग एक डेढ़ महीने से। इसका सफाई आप लोग करते हैं? जी। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए धीरज सिंह की रिपोर्ट, कुशीनगर। गोंडा के मस्कनवा में विद्युत विभाग को केंद्र छपिया फीडर को अघोषित बिजली कटौती व जर्जर तारों को सही करने के लिए नाराज ग्रामीणों ने एक सप्ताह पहले मांग पत्र सौंपा था, लेकिन बिजली विभाग ने न अघोषित कटौती में सुधार किया और न ही जर्जर तारों को बदलवाया, जिससे नाराज दर्जनों ग्रामीण आज फिर इकट्ठा होकर मस्कनवा विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन करने लगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुनील वर्मा की रिपोर्ट, गोंडा। फिरोजाबाद में ऊंची दुकान और फीके पकवान की कहावत सच हुई है। जी हां, बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर आगरा की मशहूर दाऊजी मिष्ठान भंडार पर ग्राहक को खराब छेना देने का आरोप लगाया है। खराब छेना वापस करने आया था ग्राहक, लेकिन दुकानदार के मैनेजर और ग्राहक से हॉक टॉक हुई, जिसके चलते ग्राहक ने पुलिस और खाद्य विभाग की टीम को बुलाया। खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल भरे, जिसके चलते मुश्किलों में दाऊजी भंडार नजर आ रहा है। सर, आप यहां आज सूचना पर आए, किस तरह की सूचना थी और क्या मामला है? किसी सज्जन ने छेना गोली मिठाई खरीदी थी दाऊजी मिष्ठान से। ये फिरोजाबाद की प्रतिष्ठित दुकान है, यहाँ से बड़ी महंगी मिठाइयाँ मिलती हैं, लोगों को मानना है कि अच्छी क्वालिटी है, बड़ी अपेक्षा रहती लोगों को कि अच्छी मिठाई मिलेगी, उसी अपेक्षा में तो खरीदी उतरी आज, क्योंकि इनको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, सुगंध अच्छी नहीं लगी, खटास महसूस हुई। तो इसकी उन्होंने जब शिकायत की तो उसी शिकायत की जाँच के क्रम में मैं डी एस कुशवाहा मुख्य छात्र सरकारी अपने टीम के सदस्य ओमराज सिंह के साथ में आया हूँ और प्रथम दृष्टया देखने पर लग रहा है कि छेना की बनी हुई मिठाई है और इसमें रंग भी नहीं है और चीनी है और अरारोट भी डला हुआ है इसमें, तो इसको सैंपल देके जांच के लिए भेजा जा रहा है कि देखा जाएगा इसमें कोई ऐसी अखाद्य चीज़ तो नहीं है जिससे कि टेस्ट खराब है इसका। सर, देखा जा रहा था कि यहाँ पर उनका ये जो संचालक हैं दुकान के, उनका ये कहना था कि हमारा सैंपल और ये सैंपल ये किस तरह से मैच होगा, ये उनका ये कहना है कि ये हमारे यहाँ का नहीं है, तो इस बारे में किस तरह की जांच? अब दुकानदार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का नहीं है, जबकि ग्राहक कह रहे हैं कि नहीं, कि यहाँ का लिया हुआ है, तो जांच में भेजा जा रहा था, मुझे जाँच के बाद ही पता चलता है। क्या नाम है आपका? सूरज नाम है मेरा। सूरज, ये बताइए कि आप जो मिठाई की दुकान पर आए हैं, कौन सी मिठाई की दुकान है और क्या पूरा? मेरा नाम सूरज है और मैं उज्ज्वल के साथ आया था, उज्ज्वल मेरा एक दोस्त है, हम लोग मिठाई लेने के लिए आए थे यहाँ पर और दाऊजी पर मिठाई लेने के लिए आए थे, इस ये सोच करके कि एक ब्रांड है भाई, अच्छी क्वालिटी की मिठाई मिल जाएगी हमको, कोई घर पे मेहमान आए थे हमारे को खिलाने के लिए, अब मेहमान के सामने ऐसी हमारी बेइज्जती होगी तो किस तरीके से हम विश्वास कर पाएंगे? उनके सामने भी दाऊजी का नाम आया इस तरीके से, और दाऊजी इस तरीके से अगर स्टैंडर्ड को गिराएगा तो आगे लोग कैसे खरीदेंगे उसको? किस तरह की मिठाई थी, किस तरीके की मिठाई? खटास सी आ रही थी, महक आ रही थी, बहुत गंदी सी अजीब सी, जो खाई नहीं जा रही थी। कितने बजे आपने परचेज? 4:15 बजे हमने परचेज करी थी, 4:15 बजे परचेज करने के बाद घर पे लेके गए हम लोग, 15 से 20 मिनट हुए हमने घर पे देखा कि थोड़ा दूसरे काम के लिए निकल गए हम लोग, घर से फोन आके भी ऐसे मिठाई खराब है, हम लोग चेक करने के लिए आए, जब हमने चेक करी तो वास्तव में खराब थी वो। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि पहली बात तो सबसे पहले बोला ना, ठीक है हम स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, आगे से आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी, फिर जब हम लोग जाने को हुए तब बोलने लगे कि हमारी मिठाई नहीं है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये बिल्कुल ग्राहक के साथ जालसाजी की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। जब सैंपलिंग की बात, क्या सैंपलिंग की बात से पलट रहे हैं? सैंपलिंग कराएंगे। आपने किसी अधिकारी को या पुलिस को सूचना दी है इस बारे में? अभी हम तो सीधे यहाँ पर आ गए हैं, अब हम जाकर के पुलिस इंस्पेक्टर को बताएंगे, सारी चीज उनको रिपोर्ट देंगे और सैंपलिंग की बात है, सैंपलिंग भी कराएंगे हम, इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। उसकी भी मदद ले सकते हैं फिरोजाबाद। फरुखाबाद के शमसाबाद में मोहल्ला पलिया लाडमपुर में असलम के खेत में आज सुबह एक नवजात बच्ची का शव मिला, ग्रामीणों ने देखा तो वही मौके पर बच्ची के शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर शव को अपने कब्जे में ले लिया, ग्रामीणों के अनुसार भ्रूण हत्या कर शव को फेंका गया है। बोला, क्या नाम है? विश्वपाल।
अच्छा कहाँ रहते हैं आप? पलियर। अच्छा क्या यहाँ घटना हुई है? घटना ये हुई है, बच्चा मरा सवेरे, बच्चा देखो है वो तो लेट जाए टट्टी खन, उन्हें देखा है कि लड़की भरी हुई है। अच्छा अच्छा, जब ये औरतों ने बताया जाके? हाँ, औरतों घर पर बताया, फिर आदमी लोग सभी देखने आए। अच्छा ये क्या लड़का है या लड़की? लड़की। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फरुखाबाद। गोंडा जनपद में शासन की मंशा के अनुरूप आप जनमानस के मध्य सुरक्षा की भावना को मजबूत करने तथा असामाजिक आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के मद्देनजर आज पुलिस अधीक्षक गोंडा सीआरपी सिंह ने कोतवाली नगर क्षेत्र के गुड्डूमल चौराहा, मनोरंजन चौराहा, एकता चौराहा में पैदल गश्त किया। साथ ही साथ संदिग्ध व्यक्तियों पर उनके वाहनों को रोक कर चेक किया गया। बाजार में अनावश्यक रूप से खड़े सुहादे किस्म के लड़कों को भी पुलिस ने चेक किया। इसके साथ साथ सड़क की पटरियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लगाई गई दुकानों को भी हटवाया गया और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बोला गया। पुलिस अधीक्षक ने गश्त के दौरान बाजार में लोगों से प्रेमपूर्ण संवाद स्थापित कर यातायात व्यवस्था को ठीक रखने, अतिक्रमण न करने एवं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाने के संबंध में लोगों को जागरूक किया। पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक गोंडा के अतिरिक्त अपर पुलिस अधीक्षक मयंक कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर महावीर सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आलोक राव, प्रभारी निरीक्षक महिला श्रीमती मंजू पांडे, एंटी रोमियो के टीम के अतिरिक्त अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। विश्वास पैदा करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि आपके लिए पुलिस तत्पर है और हमने तमाम ड्यूटी लगा रखी है उनकी भी चेकिंग करने के लिए, लोगों से व्यापारियों से बात करने के लिए, भाई हमें समझिए आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो बताइए, कोई सुझाव हो, ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम है, अतिक्रमण है, तो उसमें उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं, उन्हें भी समाधान बताया जा रहा है, कैमरे लगाने के लिए बताया जा रहा है, उनकी शिकायतें भी सुनी जा रही हैं और इसे एक फीडबैक लेकर के हम इससे और आगे कार्रवाई करेंगे। इसी तरह ये हम लोग पैदल गश्त कर रहे थे। महिलाओं के अपराधों के प्रति शासन बहुत संवेदनशील है और वो संवेदनशीलता हमारे नीचे स्तर तक आनी चाहिए, कॉन्स्टेबल तक आनी चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए हैं, उनकी सक्रियता के लिए इनको निर्देशित किया गया कि ये शाम के वक्त और ऐसे वक्त जब कोचिंग चलती हैं, स्कूल लगते हैं, स्कूल छूटते हैं, ऐसे समय में ऐसे स्थानों पर रहें जहाँ पर यू टीचिंग की घटनाएँ होती हैं या इनके साथ कोई छेड़छाड़ की बात होती है। इसके अलावा हर सर्किल लेवल पर एक अलग से थाना लेवल पर भी स्क्वाड बनाया गया है, उसकी कार्यप्रणाली कहीं दिख नहीं रही है। बिल्कुल लोगों को विश्वास हो कि हमने ये चीज करी है, शासन ये चाहता है और हम उसको यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको क्रियाशील कर रहे हैं, उसको हम उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोगों में एक विश्वास भी हो पुलिस के प्रति कि पुलिस शाम को निकलती है, दुकानें बंद होती हैं, लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, किसी का ये ना हो कि कोई सुरक्षा की भावना अंदर डेवलप होनी चाहिए कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, यहाँ हम मौजूद हैं, कोई बात होगी तो हम उसको संभालेंगे, देखेंगे। इसके तहत जो है इनको निर्देश दिया गया है और उसी के तहत हम लोग पैदल गश्त करें, आगे भी करते रहेंगे, आप लोगों से भी सुझाव लेंगे, समस्याएं सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। गोंडा जनपद की तरबगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम की प्रधान एवं गोंडा की नारी ज्ञान स्थली महाविद्यालय की संस्थापक डॉक्टर कृष्ण सिन्हा का निधन लखनऊ के निजी अस्पताल में 12 बजे हो गया। डॉक्टर सिन्हा के निधन की खबर सुनते ही पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर सिन्हा अपने पीछे एक पुत्र व दो पुत्रियों से भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वह कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। ज्यादा तकलीफ होने के कारण डॉक्टर सिन्हा को लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उन्होंने कल दोपहर लगभग 12 बजे के करीबन अंतिम सांस ली। डॉक्टर सिन्हा का शव लखनऊ से गोंडा लाकर नारी ज्ञान स्त्री महाविद्यालय में अंतिम दर्शन हेतु रखा गया। उसके बाद शव का उनके पैतृक गांव नौबस्ता ले जाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा।